नमस्कार, मैं माधवी और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ बॉलीवुड की खबरों के साथ। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सुरेखा सिकरी का आज सुबह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। बता दें कि एक्ट्रेस लंबे समय से बीमार चल रही थी। वहीं 2018 में उन्हें पैरालिटिक अटैक आया था और 2020 में दूसरी बार ब्रेन स्ट्रोक, तभी से उनकी तबीयत खराब थी। अपने आखिरी वक्त में एक्ट्रेस सुरेखा सिकरी अपने परिवार के साथ ही थी। सुरेखा के निधन से बॉलीवुड और टीवी जगत में शोक की लहर है। कई सेलेब्स ने सुरेखा सिकरी के निधन पर दुख जताया है। सोशल मीडिया पर फैंस समेत कई सेलेब्स उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सुरेखा सिकरी ने अपने करियर में कई फिल्मों और सीरियल्स में दमदार एक्टिंग की थी, लेकिन बालिका वधू में कल्याणी देवी यानी दादी सा के रोल ने उन्हें घर घर में पॉपुलर कर दिया। सुरेखा को 3 बार मिला नेशनल अवार्ड। बता दें कि सुरेखा सिकरी ने पॉपुलर शो बालिका वधू समेत कई बड़े शोज और फिल्मों में काम किया है। 1978 में पॉलिटिकल ड्रामा फिल्म किस्सा कुर्सी का से सुरेखा ने एक्टिंग डेब्यू किया था। उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए 3 बार नेशनल अवार्ड भी मिला है। ये फिल्में थी तमस, मैमो और बधाई हो। सुरेखा ने 2018 में रिलीज फिल्म बधाई हो में दुर्गा देवी कौशिक का रोल प्ले किया था। इस रोल में भी सुरेखा ने लोगों का दिल जीता। अपने इस रोल के लिए सुरेखा को नेशनल अवार्ड मिला था। सुरेखा व्हीलचेयर पर बैठकर राष्ट्र पुरस्कार लेने पहुंची थी। उत्तर प्रदेश में जन्मी सुरेखा ने अपना बचपन अल्मोड़ा और नैनीताल में बिताया था। एक्ट्रेस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की, जिसके बाद दिल्ली में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया। बता दें कि सुरेखा को 1989 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।